वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सो वैसे आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू चैनल, वो मेरे ब्लॉग में मैं आपको बताता रहूँगा कि लाइफ यहाँ पे कैसे है कनाडा में, गाड़िया के एक्सपेंसेस क्या रहता है, हाउसेस मार्केट कैसा है, स्टूडेंट की लाइफ कैसी है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप यहाँ पे सेटल जल्दी हो सकते हो और यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम टू गेट द एक्सपीरियंस, यू कैन यूटिलाइज माई एक्सपीरियंस इजली। सो सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पे आके कोई भी ऐसे खर्चे मत कर दो कि जहाँ पे आपको हर मंथ पेमेंट करना पड़े इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट वाली लाइफ तो करना ही मत। अगर आपको फ़ोन लेना है तो इट्स गुड, यू कैन बाय अ फोन, दैट्स नॉट वेरी बैड इंस्टॉलमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स अगर आप $50 पे कर रहे हो प्लान के, तो कई बार आपको 11 या 12 का जो पुराना मॉडल है ना, वो बेसिक मॉडल जो आपको $10 या $15 में मिल जाता है, तो उसके अगर आपको वो ख़रीदना है तो अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर साल नया आईफोन ले लूँगा लॉन्च के टाइम, सो दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन। सो ऑलवेज डू राइट नाउ आई एम यूजिंग 12 Pro एंड आई हैव दिस फोन फ्रॉम लास्ट मंथ ऑफ जनवरी, सो आई हैव नो प्लान टू बाय 14 राइट नाउ, मे बी आई विल गो फॉर 15 नेक्स्ट ईयर, बट टिल नाउ टिल दैन आई एम गुड विथ दिस फोन। आपको थोड़ा का बाहर का व्यू भी दे देता हूँ, अभी मौसम अच्छा है और थोड़ा सा ट्रैफिक भी दिखाई देगा आपको रोड पे, तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे एक फ्रेंड के घर, वहाँ पे हम गुफ्तगू करेंगे मीन्स बातचीत करेंगे, लेट्स सी खाना बना, अगर बाहर खाना हो तो वहाँ पे भी जाने का सोच रहे हैं, और आफ्टर कमिंग बैक आई विल स्टार्ट माई इंडिया पैकिंग। वैसे अभी टाइम तो है पर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही करता रहूँगा। सो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हो देन प्लीज़ फॉलो माई पेज, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज हियर। सो अभी आगे देख रहे हो होंडा CR-V, तो ये कार भी इंडिया में प्रीमियम कर सकते हैं। मैं इंडिया की कंपैरिजन ज़्यादा करूँगा क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, दैट्स वाई। तो इंडिया में मे बी ये CR-V अराउंड मे बी मोर देन 20 लाख की आती होगी। यहाँ पे ये थोड़ी फैमिली कार जैसा है, यू कैन कंसिडर इट एज अ सेकंड कार। नॉर्मल पीपल डोंट बाय दिस कार एज देयर फर्स्ट कार, बिकॉज इफ दे वांट टू बाय देयर फर्स्ट कार और लाइक प्राइमरी कार, दे विल गो विथ सम सेडान, राइट। नॉर्मली इट डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन, बट अगर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई सिविक के साथ चला जाता है, कोई कैलेंट्रा के साथ चला जाता है, मिड साइज SUV ले लेते हैं, तो और मिड साइज सेडान भी ले लेते हैं, राइट, फुल साइज सेडान भी ले लेते हैं, कैमरी ले लेते हैं रेगुलर यूज़ के लिए। पर ये कार लोग प्रीफर करते हैं जब जा रहे हैं अपने छोटे बच्चे के साथ, तब ये लोग, और अगर ट्रिप में आप जा रहे हो तो पीछे वाला जो कंपार्टमेंट है, डिक्की बोलते हैं उसको, तो उसमें अच्छा खासा सामान भी आ जाएगा, राइट। आप राइट साइड अभी पेट्रोल की प्राइस देख रहे हो 147, तो $1.47 फॉर 1 लीटर, राइट। तो उसको आप अगर चेंज करके देख लो इंडियन प्राइस में, तो अराउंड ₹60 $1 एंड अनदर ₹24, अराउंड 84-85 rupees फॉर 1 लीटर। इट्स अ नॉर्मल कॉस्ट, इट्स अ सेम कॉस्ट, वी कैन कंसिडर इट एज अ सेम कॉस्ट, राइट। सो पेट्रोल इज़ नॉट दैट बैड, बट नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, आप ये लेफ्ट साइड वाला ट्रक देख रहे हो राइट, रैम का, तो ये भाई साहब तेल बहुत खाता है, तो अगर आप ये लेके चल रहे हो ना तो आपको पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको तो इसकी तो टंकी भी बड़ी होती है और ये इतनी माइलेज भी नहीं देती। लेफ्ट हैंड साइड आपको सिविक देख रहे हो, वो सिविक भी पुरानी मॉडल है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो लोगों को ट्रक का ज़्यादा शौक है, बट ट्रक भी सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते,
पर लेट्स से 10-15% लोग ट्रक प्रीफर करते हैं जिनके पास कोई बिजनेस है, क्योंकि अगर आप देख लो अगर प्लम्बर है तो प्लम्बर के पास कई सारा सामान होता है, उसको लेके घूमना रहता है, राइट। और अगर उसके पास अपनी खुद की कंपनी है, प्लम्बर एज उन्होंने इनकॉर्पोरेशन करवा के रखा होगा, राइट, तो वो गड्डी अपनी जो भी ट्रक है ये, उसका पेमेंट भी वो एज ए एक्सपेंड डाल सकते हैं उसमें। तो वही चीज़ है। आप राइट साइड एक नदी देख रहे हो, लंदन की एक नदी है, यहाँ पे मैं हम वॉक के लिए आया करते थे पहले, और अभी तो टाइम है नहीं। लेट्स सी इन फ्यूचर मैं आपको ये पार्क भी बताऊँगा। यहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके वॉकिंग के लिए जाते हैं। सामने एक बिल्डिंग देख रहे हो आप, राइट, तो वो अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर क्या होगा जब वो बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी ना, तो उसका ओनर है ना वो एक कॉरपोरेशन होगा, राइट, कोई भी कंपनी होगी उसके ओनर, तो वो पूरे लेट्स से उसमें अगर 100 अपार्टमेंट है ना ये बिल्डिंग में, तो वो 100 के 100 अपार्टमेंट रेंट पे चढ़ा देंगे। वो ये बिल्डिंग में से अपार्टमेंट बेचने वाले नहीं है, तो ये क्या करेंगे अगर 100 अपार्टमेंट इसमें है तो हर अपार्टमेंट अराउंड लाइक 1500 से 2000 डॉलर में वो रेंट पे रखेंगे। तो अगर आप 2000 मान लो कि हर अपार्टमेंट की कॉस्टिंग 2000 डॉलर पर मंथ है, तो उनके 2 लाख डॉलर पर मंथ उनके पास आते रहेंगे, राइट। और अपार्टमेंट भी वो उनका ही है, वो नहीं जाएगा उनके हाथ में से, तो 2 लाख डॉलर में से उनको कॉस्टिंग रहेगी थोड़ी, सब यूटिलिटीज़ पे करनी पड़ेगी थोड़ी। और नॉर्मली अपार्टमेंट में क्या होता है, ये वाटर इंक्लूड होता है, अगर आप कितना भी वाटर यूज़ कर लो वो इंक्लूड है, उसकी पेमेंट ये कॉरपोरेशन करेंगे। नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग मीन्स वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको अपने पॉकेट में से देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होगी, अगर आपका स्टव इलेक्ट्रिक है तो उसमें यूज़ होगी, आपकी बेसिक लाइटिंग में यूज़ होगी। उसके सिवा मान लो जब AC चला रहे हो आप घर में तब वो यूज़ होगी, तो ये खर्चे इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा नहीं आता। आप अभी लेफ्ट हैंड साइड भी आगे अपार्टमेंट देख रहे थे, वो सारे अपार्टमेंट सारे यूनिट रेंट पे ही जाते हैं। तो अगर आप कनाडा में अगर 10 अपार्टमेंट देख लोगे ना, तो उसमें से 9 अपार्टमेंट पूरे रेंटेड होंगे, और एक अपार्टमेंट शायद ऐसा होगा कॉन्डो कि जो अलग अलग लोगों ने खरीदा होगा, और वो लेट्स से अगर उसमें 100 यूनिट है, उसमें से 100 के 100 यूनिट बिक गए, राइट, प्राइवेट लोगों को, उसमें से 50 लोग खुद रह रहे हैं और 50 लोगों ने रेंट पे चढ़ा रखा है, ऐसा रहता है। तो वो बात हो गई, अभी हम बात करेंगे कार की, सब कुछ इंस्टॉलमेंट की। यहाँ पे येलो लाइट हो गई तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपनी कार। यहाँ पे राइट हैंड साइड मेरी जिम है, इस रोड पे मेरी जिम, वापस बैक। और अगर मैं कार का एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ ना, तो ये अभी मेरी गाड़ी किस्ते पे ही है, मैंने 6 साल की किस्त करवाई थी, मीन्स इंस्टॉलमेंट, तो मेरे हर महीने की इंस्टॉलमेंट जाती है अराउंड लाइक $351। सो 350, और मेरी जो भी बैंक है ना उसका नाम है TD बैंक, कैनेडा ट्रस्ट उसका फुल नेम है। तो अगर कोई बंदा बोलता है कैनेडा ट्रस्ट और कोई बंदा बोलता है TD, तो वो दोनों सेम ही चीज़ है। और मेरे को वो लोन मिली थी ऑलमोस्ट 6.99% के लिए, और मेरे 6 साल की लोन का टर्म है पूरा, तो अभी ऑलमोस्ट 3 साल ख़त्म हो गए, और अभी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, तो आई विल कीप इट फॉर मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, लेट्स से आफ्टर दैट मैं ये कार अपने सेकंड कार तरीके भी यूज़ करूँगा। और आई एम प्लानिंग टू बाय न्यू कार इन मे बी नेक्स्ट ईयर, लेट्स से जैसे देखते हो वो क्या होता है। और दूसरी वो बड़ी एक्सपेंसेस है मेरी कार के लिए, तो वो दूसरी का एक्सपेंसेस बड़ी एक्सपेंसेस तो बोलूँगा, तो सबसे बड़ी एक्सपेंस तो गैस ही है मेरी। अभी की कार की गैस अराउंड चली जाती है पर मंथ अराउंड $400 मिनिमम, अराउंड 400 चली जाती है। तो अगर यहाँ पे जब मैं गैस बोलता हूँ ना, तो उसका मीनिंग होता है कि पेट्रोल,
यहाँ पे आपने सुना होगा, जब भी आप इंडिया में और कोई भी कंट्री में है तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि एक बंदा है फॉरेन कंट्री में, उसके पास 10 गैस स्टेशन है, ऐसा कुछ। ऑस्ट्रेलिया में 10 गैस स्टेशन है, कनाडा में 3-4 गैस स्टेशन है, ऐसा ऐसा लोग बोलते रहते हैं, राइट। तो उसका मीनिंग है कि पेट्रोल पंप, यहाँ पे पेट्रोल पंप को गैस के नाम से जाना जाता है। तो एक बड़ी कॉस्ट है मेरे कार के लिए, फर्स्ट बड़ी कॉस्ट है गैस, दूसरी बड़ी कॉस्ट है $351 कार का पेमेंट, उसके बाद थर्ड कॉस्ट बड़ी आती है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस टाइम के हिसाब से कम होती रहती है, पर अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ड्राइविंग का तो वो बढ़ भी सकती है। तो लेट्स से जब मैंने 2019 में पहली बार इंश्योरेंस लिया था तो मैं अराउंड पे कर रहा था $371 पर मंथ। उसके बाद मेरी जब रिन्यूअल आई 10th December 2020, तो उसके बाद मैंने कंपनी स्विच की, पहले मैं कोऑपरेटर के साथ, उसके बाद मैंने चेंज करके ऑल स्टेट के साथ गया, तो वहाँ पे मेरी इंश्योरेंस कम होकर ऑलमोस्ट $230 हो गई थी। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आया था, पर मेरी कोई टिकट नहीं है, मेरा कोई क्लेम नहीं है, मेरी हिस्ट्री प्रॉपर क्लियर है, इवन मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस भी है, राइट। तो वो भी थोड़ा काउंट हो गया था उसमें। उसके बाद तीसरे साल थोड़ा मेरे को और डिस्काउंट मिला क्योंकि मैं और एक्सपीरियंस ड्राइवर हो गया यहाँ पे कनाडा में, राइट। तो अब मैं पे कर रहा हूँ अभी $181, और अभी ये दिसंबर में मेरा फिर से रिन्यूअल आएगा, राइट। तो मेरे ऑलमोस्ट 3 साल ख़त्म होने वाले, नहीं, मेरी कार के 3 साल ख़त्म होने वाले और मेरे अराउंड होने वाले ख़त्म दिसंबर में 4 साल। तो पहला साल मैंने क्या किया, आप वो सोच रहे होगे, राइट, बिना कार के। तो पहले साल में ऐसा था कि मैं दिसंबर में आता, जनवरी में मेरे पास G1 आ गया था, उसके बाद अप्रैल या मई तक मेरे पास G2 और GB हो आ गया था, और जी शायद फरवरी में आ गया था, जी अराउंड अप्रैल में आ गया था। तो उसके बाद हमने चलाई 6 महीने रेंटल कार, क्योंकि मेरे कुछ रूममेट्स है वो रेंटल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके पास से हमको थोड़ी बजटेड रेंटल कार मिल जाती थी, जो हमने 5-6 महीने तक चलाई। उसके बाद मेरे को लगा कि ये पैसे का एक वाई विद इन टू पे दैट मच मनी इन टू रेंटल कंपनी, राइट। मैं जो भी पे कर रहा था $500, $600, $700 पर मंथ, वो सब जा रहे थे रेंटल कंपनी के पास। और यहाँ पे क्या होता था, उसके बाद जब मैंने पहली बार कार ली ना, तो उस टाइम मैं पे कर रहा था $350 उसके और $370 उसके, तो मैं भी अराउंड पे कर रहा था ऑलमोस्ट लाइक $720, पर उसमें से कुछ अमाउंट मेरी कार में जा रहा था। तो मैंने वो चीज़ डिसाइड की कि लेट्स बाय आवर ओन कार, राइट। एंड आफ्टर दैट आई बॉट माय ओन कार एंड लाइफ इज गोइंग गुड। क्योंकि क्या होता है, जब आप कैनेडा में हो ना, तो अगर आपके पास अपनी खुद की छोटी बड़ी कार है ना, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन उतना है नहीं। यहाँ पे लंदन में प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, पर अगर आप एक कोने में से दूसरे कोने में जाने की बात करोगे ना, तो इट विल टेक मे बी 20-30-40 मिनट्स, तो टाइम बहुत निकल जाता है। तो मैंने मेरी कार अब मे बी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में ही ले ली थी, वो थोड़ा टाइट हो जाता है अपना बजट को लेके, पर दैट्स ओके।